ओके एमएनएम, आपने आज एमएनएम पिक किया और एमएनएम दरअसल पिछले पूरे हफ्ते एक पुलबैक मोड में रहा और एग्जैक्टली 1178 यस आज ऑटो में देखिए कितने डाइवर्जेंसेस हैं। टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ और 20 डे में स्ट्राइक करता हुआ एमएनएम राजेश जी का ट्रेड हो गया। मानस जी आपका ट्रेड क्या होगा? गुड मॉर्निंग वेन जी, देखिए ट्रेड हिंडाल्को रहेगा, हिंडाल्को पे खरीदारी करने की राय रहेगी क्योंकि पिछले अगर आप 3-4 सेशन देखें तो लगातार 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हिंडाल्को ट्रेड कर रहा है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, 408 का एक अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी हिंडाल्को में। 405 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 420 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है और 410 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 10 रुपए के आसपास की ट्रेड हो रहा है, 8 रुपए के स्टॉप लॉस यहाँ पर खरीदारी करनी है 15 रुपए के टारगेट के लिए। ओके हिंडाल्को या तो फ्यूचर्स बाय के लिए 410 की कॉल भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। कविता जी आपकी ट्रेड क्या होगी? सो अनुज जी मुझे लगता है एचएएल में एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, 2798 के लेवल पर है, 2764 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। ऊपर में मुझे लगता है 2825 2855 के लेवल्स के लिए एचएएल कुड बी द गुड रिस्क रिवॉर्ड। ओके एचएएल में बाय करना है इस समय। चंदन में जुड़ गए हमारे साथ। चंदन गुड मॉर्निंग, चंदन क्या ट्रेड लेंगे आप? जी गुड मॉर्निंग अनुज, देखिए निफ्टी कंटिन्यूअसली 6-7 दिनों से हायर लोस बना रहा है और इंडिया विक्स है वो लगातार गिर रहा था, बट आज विक्स में थोड़ा सा सर्ज बना है तो आज का पहला आधा घंटा इम्पोर्टेंट रहेगा। 17550 में एक मेजर सपोर्ट के तौर पे देखूंगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इमीडिएट जो फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन है उनके आसपास आए तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे। स्टॉक वाइज बात करें तो मैं नॉन एफएनओ काउंटर की तरफ जाऊंगा। देखिये ऑटो स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एफएनओ में टाटा मोटर्स में बड़ा मोमेंटम आया है तो मैं नॉन एफएनओ की तरफ फोकस करूं तो ओलेक्ट्रा मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा की बात कर रहे हैं पर आज इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। लगभग अभी देखें तो करंट लेवल पे खरीदा जा सकता है, 676-677 का अभी प्राइस है, मौजूदा लेवल पे खरीद सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।